इन दिनों पूरा देश राममय है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से पूरे देश में राम धुन की धूम है। देश भर के लोग जाति संप्रदाय और धर्म से परे राम लला के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं। वाकई में ये किसी धर्म विशेष के लिए उत्सव का विषय नहीं है, बल्कि श्री राम का जुड़ाव तो देश के संविधान से है, वही संविधान जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और आज हम आपको रूबरू कराएंगे देश के संविधान और प्रभु श्री राम के कनेक्शन से। आपको बताएंगे कि क्या है राम राज्य की अवधारणा और राजनीति में इसके क्या मायने हैं। संविधान संप्रभु राष्ट्र भारत को गतिमान और विकास पथ पर अग्रसर करने वाला विधान है। ये एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे ये अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। भारत के संविधान और श्री राम के बीच क्या संबंध है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं पीएलबी यानी पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। यहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को संरक्षित किया गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी, देखते हैं भारत का संविधान और जानते हैं संविधान के श्री राम कनेक्शन के बारे में। संसदीय ग्रंथालय में पुस्तकों, प्रतिवेदनों, सरकारी प्रकाशनों, यूएन रिपोर्ट, वाद विवाद, राजपत्र और अन्य दस्तावेजों के करीब 2 मिलियन वॉल्यूम हैं। यहाँ 3,50,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, जिनमें 1,000 से ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह शामिल है। लेकिन इन दुर्लभ पुस्तकों में सबसे ज्यादा खास है भारत के संविधान की मूल प्रति। संसदीय ज्ञानपीठ में संविधान की मूल प्रति को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया गया है, इसे छूने की आज्ञा नहीं है। तो संविधान और श्री राम के संबंध को जानने के लिए हमें संविधान की रेप्लिका का सहारा लेना होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे और पीछे के कवर पर सोने का पैटर्न प्रसिद्ध अजंता भित्तिचित्रों से लिया गया है। इस कलात्मक पैटर्न को बनाने में 5 वर्ष का समय लगा। संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। अंग्रेजी संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की कैलीग्राफी और हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य की सुंदर लिखावट से सजा है। जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो उन हस्तलिखित पृष्ठों में ऊपर नीचे बहुत जगह खाली छूटी हुई थी। ऐसे में इस पर विचार हुआ कि आखिर किस तरह इस खाली जगह के जरिए भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाए। तब इस काम के लिए नंदलाल बोस को शांति निकेतन जाकर आमंत्रित किया गया। इसके बाद इस महान चित्रकार ने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर संविधान के इन हस्तलिखित पन्नों में प्राण भरने का काम किया। इस काम में 4 वर्ष का समय लगा।
बाद में संविधान सभा से जुड़े सभी लोगों ने इन चित्रों को संविधान के रिक्त स्थान पर शामिल करने पर सहमति देते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया है। नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने जटिल और अद्भुत कलाकृतियों के जरिए न सिर्फ हर पृष्ठ के किनारों को सजाया बल्कि संविधान के हर भाग से पहले एक चित्र भी उकेरा। संविधान में 22 भाग हैं। नंदलाल बोस और 6 महिला कलाकारों सहित उनकी पूरी टीम ने हर भाग से पहले उस भाग से जुड़े विषय पर आधारित एक उत्कृष्ट चित्र कलात्मक शैली में बनाया। नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने इतिहास के चुनिंदा महात्माओं, गुरुओं, शासकों और पौराणिक पात्रों को दर्शाते हुए संविधान के सभी हिस्सों को सुसज्जित किया। उनके द्वारा बनाया गया प्रत्येक चित्र भारत की अद्वितीय विरासत से एक संदेश और उद्देश्य को व्यक्त करता है। नंदलाल बोस ने अपनी पूरी टीम के साथ इस अनमोल दस्तावेज को चित्रों से सजाया। इस पूरी प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया गया कि संविधान में भारत की समृद्ध संस्कृति, विविध विरासत और गौरवशाली अतीत की झलक शामिल हो। लेकिन आखिर संविधान में श्री राम की झलक कहाँ है और क्यों इसे शामिल किया गया है, ये जानना बेहद जरूरी है। संविधान भारत के प्रतीक चिन्ह और उद्घोष के चित्रण के साथ शुरू होता है। यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। राष्ट्रीय प्रतीक को मौर्य सम्राट अशोक की प्रसिद्ध राजधानी सारनाथ से लिया गया है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। प्रस्तावना पृष्ठ में ब्योहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा चित्रित एक डिजाइन है। संविधान के प्रथम भाग पर वृषभ का चित्र अंकित है। इस पर लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, साथ ही लिखा है भारत अर्थात इंडिया। ये चित्र दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो से लिया गया है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस मुहर के साथ हमारे अतीत का वर्णन शुरू करना उचित था। ये प्रतीक है सभ्यता की शुरुआत का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। दूसरे भाग के पहले पृष्ठ पर गुरुकुल का चित्र अंकित है। भारत राज्य संघ में कहीं भी जन्म लेने या एक निश्चित अवधि तक निवास करने वाले के लिए नागरिकता का उल्लेख है। वैदिक सभ्यता हमारा आधार रही, आश्रम और गुरुकुल उसके स्तंभ। गुरुकुल भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। आज पूरी दुनिया उन परंपराओं को श्रेष्ठ मान रही है तो हम संविधान निर्माताओं की विचार दृष्टि पर गर्व कर सकते हैं। संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों पर आधारित है और इस भाग 3 के पहले पृष्ठ पे प्रभु श्री राम का माता सीता और लक्ष्मण के साथ एक चित्र अंकित किया गया है और ये चित्र दिखा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है और ये कहीं ना कहीं राम की जीवन गाथा से प्रेरित है। भारत का महाग्रंथ रामायण श्री राम की जीवन गाथा है। राम भारत के शाश्वत नायक हैं, जो अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों पर आधारित है। महाग्रंथ रामायण अधिकारों की रक्षा
और समाज में समानता का संदेश देता है। संविधान में चित्रित भगवान श्री राम का चित्र उस कथा का है जब लंका के राजा रावण को हराने के बाद राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। इस प्रकार ये बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह अत्याचार खत्म कर लोगों की भलाई के रूप में मौलिक अधिकारों की बात करता है। संविधान में भले ही लंका से अयोध्या लौट रहे श्री राम की तस्वीर का जिक्र किसी भी लिखित अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, पर राम राज्य की स्थापना के लिए श्री राम की तस्वीर हमारे संविधान का एक हिस्सा है। संविधान के आखिरी पृष्ठ पर संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षरों की ये सूची इस सहमति को दर्शाती है कि नंदलाल बोस ने इन कलाकृतियों में भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र बनाए थे, और जाहिर सी बात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति इन जननायकों के बिना अधूरी है। संविधान के शुरुआती भागों में संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। वहीं संविधान के भाग 3 में चित्रित रामायण का चित्र राम राज्य की ओर इशारा करता है। आखिर राम राज्य क्या है और क्यों संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में ही श्री राम का चित्र उपयुक्त माना गया, आइए जानते हैं। जब हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो, राज्य में रहने वाले सभी लोग सुखी हों, संतुष्ट हों, वही है राम राज्य। राम राज्य दरअसल सुशासन की अब तक की प्रचलित सर्वोत्तम परिभाषा है। इसलिए राम राज्य को समझने के लिए हमें पहले सुशासन को समझना चाहिए। सुशासन एक बेहद सारगर्भित शब्द है जिसका सामान्य अर्थ शुभ शासन या मंगलकारी शासन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुल 8 विशेषताएं स्वीकार की हैं, जो भारतीय प्रशासन में हजारों वर्षों से विद्यमान रही हैं। ये विशेषताएं हैं विधि का शासन, समानता और समावेशन, भागीदारी, संवेदनशीलता, बहुमत, प्रभावशीलता और दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही। जब किसी समाज में ये तत्व अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएं, तो उस समाज को, उस शासन व्यवस्था को रामराज्य कहा जा सकता है। प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था, भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये एक राजनीतिक अवधारणा है। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य को संदर्भित करता है जहां जनता के अधिकार चरम स्तर तक संरक्षित थे, जहां लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली स्थापित की गई थी और सभी लोगों की खुशी सुनिश्चित की गई थी। भारत की महान ग्रंथ अर्थशास्त्र और महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राम राज्य की अवधारणा प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानाम तु हिते हितम् की अवधारणा का अनुसरण करती है, यानी शासक की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में निहित है। भारतीय संदर्भ में राम राज्य एक आदर्श राज्य की अवधारणा थी जहां राजाओं को जनता के निर्णय को स्वीकार करना पड़ता था।
राजा जनता की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता था। आखिर वो राजा राम ही थे जिनके शासनकाल को आदर्श माना जाता है। भारतवर्ष में राम राज्य सदा से ही सुराज्य का पर्यायवाची रहा है। निश्चय ही राम राज्य भारतीय समाज और शासन व्यवस्था का स्वर्ण युग था। रामायण के अनुसार राम के राज्य में प्रजा अधिकारों से युक्त, संतुष्ट और स्वधर्म स्वकर्म का पालन करने वाली थी। श्री राम का दयालु और निष्पक्ष व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं। साथ ही राम राज्य की परिकल्पना में भी मानव जीवन के ये भाव आत्मसात है। श्री राम ने जातिगत भेदभाव किए बिना निषाद राज से मित्रता की, उन्हें वही सम्मान दिया जो उनके बाकी मित्रों को मिला। रघुनंदन ने शबरी माता के जूठे बेर स्वीकार किए। एक राजा के रूप में वो अपनी प्रजा को समान रूप से देखते हुए उनके अधिकारों के संरक्षक थे। उस समय की व्यवस्था के अनुसार वो स्वयं भी राजधर्म से बंधे थे, इसलिए राजा दशरथ के वचन का मान रखते हुए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए राजसी ठाट बाट को छोड़कर वन जाना स्वीकार किया। शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा होने के बाद भी श्री राम ने कभी निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया और न ही स्वयं को धर्म से ऊपर रखा। इसलिए संविधान में ये चित्रण इस विश्वास से किया गया कि भारतीय संविधान के लागू होते ही समस्त अधीन जनता को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। संविधान की नियमावली पर गूढ़ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे संविधान का आधार भगवान श्री राम के आदर्शों का भी पालन करता है। उनके आदर्श समाज के प्रारूप को ही नहीं बल्कि देश के संविधान को तय करने और देश का बेहतर संचालन करने में भी प्रासंगिक हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन भी राम राज्य लाने के लिए लड़ा गया था, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक शोषण, किसी भी प्रकार का दमनकारी प्रशासन नहीं होना चाहिए। राम राज्य की ये अवधारणा बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य यानी सुशासन का प्रताप ये है कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, सभी जन मिलजुल कर रहते हैं। सामान्य जनमानस शारीरिक, मानसिक और दैविक विकारों से मुक्त होता है, सभी स्वस्थ हैं। राम राज्य में किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं होती। कोई निर्धन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है, किसी के भी अंदर कोई अनैतिक लक्षण नहीं है। राम राज्य की इस व्यापक परिभाषा को यदि आज के समाज में चरितार्थ कर लिया जाए तो न कहीं कोई विवाद होगा और न ही कहीं कोई अशांति। हजारों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा संस्कृत भाषा में लिखी। उसके बाद अलग अलग भाषाओं में श्री राम कथा कही गई। श्री राम चरित मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनी सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। देश के संविधान में चित्रित श्री राम की तस्वीर राम राज्य की ओर इशारा करती है, जहां शासक जनता की भलाई को अपने हितों के ऊपर रखता है। भारतीय संविधान में न्याय और समानता के साथ ही हर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा दिया गया है। ये सब राम राज्य की अवधारणा में विद्यमान है। उम्मीद है कि आप श्री राम और संविधान के संबंध को समझ पाए होंगे, राम राज्य को समझ पाए होंगे। इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।